एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी साइंस का वो भाग है जो खुसूसन जब मां के रहम में बच्चा पैदा होता है और किस तरीके से शुरू होके बढ़ता है, 9 महीने तक तकरीबन मां के रहम में रहता है, उसके स्टडी को कहते हैं अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी। मां के रहम में जो बच्चा पैदा होता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, उसके स्टडी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कई अरबों ने जितने भी कुरान मजीद की आयतें हैं जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करती है और हदीस है, उसको इकट्ठा किया और कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल किया। सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फसअलू अहले जिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते तो उसके पास जाइए जो माहिर है, उससे पूछिए जो माहिर है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। अगर आप नहीं जानते तो उससे पूछिए कुरान के बारे में जो उस फन का माहिर है। तो कई अरबों ने सारी आयतें और हदीस से जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करते और ले गए तकरीबन 30 साल पहले 1980 के पहले इन 1970s 30-40 साल पहले और ले गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास। वो मुसलमान नहीं था। प्रोफेसर कीथ मूर उस वक्त सारे दुनिया का सबसे बेहतरीन माहिर था एम्ब्रियोलॉजी में। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का हेड था इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। प्रोफेसर कीथ मूर को सारी आयतों और हदीस का तर्जुमा पेश किए और कहा इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि अक्सर जो कुरान मजीद और हदीस में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है वो 100% सही है, लेकिन कुछ आयतों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि गलत है क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं। और दो ऐसे आयत थे जो पहले दो आयत जो नाजिल किए गए थे सूरह इकरा सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो उसके नाम से जो खालिक है जिसने इंसानों को बनाया है अलका से, खून के लोथड़े से, जोंक से, लीच लाइक सब्सटेंस से। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मैं नहीं जानता हूं कि एम्ब्रियो जब बच्चा पहले स्टेज में होता है, मरहले में होता है, वो जोंक जैसा लगता है। तो प्रोफेसर कीथ मूर अपने लेबोरेटरी में गए और पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक जोंक की तस्वीर ली और उसे कंपेयर किया और वो हैरान हो गए यकसानियत पे। और उसके बाद जब उन्हें 80 सवालात पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो कुरान और हदीस में जिक्र आता है, तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा अगर आप मुझे ये 30 साल पहले पूछते तो 50% से ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इज अ न्यू ब्रांच विच इज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो नई ब्रांच है मेडिसिन की। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद कोई इंसान लिख ही नहीं सकता और मुझे कोई शक नहीं है कि ये कुरान मजीद खुदा की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के पैगंबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 में 86 आयत नंबर 5, 6, 7 में कि इंसान नहीं सोचता वो किससे बना, वो एक सयार कतरा से बना जो गिरा उस जगह से रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते जब कहा कि इंसान बना एक सयाल कतरे से जो गिरा रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। आज साइंस तरक्की करने के बाद में पता लगता है कि जो जिंसी आजा है जेनाइटल ऑर्गेन द ह्यूमन बींग में वो एम्ब्रियोनिक एज में जब मां के रहम में जब बच्चा रहता है वो वजूद में आता है उस जगह जिस जगह गुर्दा है, जिस जगह किडनी है, स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द 11th and 12th रिब, उस जगह रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। जिंसी आजा टेस्टिकल्स एंड ओवरी मां से वजूद में आते हैं, उसके बाद वो डिसेंड वो नीचे उतरते हैं औरत में पेल्विस तक, आदमी में थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। लेकिन नीचे आने के बाद ये जिंसी आजा जब इंसान बड़ा भी हो जाता है मां के पेट के बाहर निकलता है, फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहां गुर्दा मौजूद है और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहां गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच।
قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ, مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ, جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے, سیال قطرہ, اسے کہتے ہیں نطفہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں, ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے, اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے, اونلی ون سپرمٹوزوا, ایک کافی ہے بیدے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے, گوجل کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ, بیسٹ پارٹ آف دی ہول, سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں, ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے, 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت, اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی, ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی, سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جو جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیر آف کروموزوم, 23rd جوڑی کروموزوم کی اگر وہ ایکس ایکس ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی, اگر ایکس وائی ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر ایکس حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی, اگر وائی حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا. یہ ہم حال ہی میں جانیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے, میل اینڈ فیمیل جنس میں, مذکر اور مؤنث, ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے, عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من منی یمنا, ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے سپرم, اور پھر بنا علاقہ سے مدگہ اور ان کو جنس ڈالی مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی ریسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ, میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو, اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی, لڑکی کو پیدا کیوں کی. لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل, مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں, کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا, مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز, ان تھری ویلز آف ڈارکنیس, تین اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں, اینٹی ابڈومنل وال, یوٹرائن وال, ایمنیوکارڈیونک ممبرین. اینٹی ابڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار, یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار, اور ایمنیوکارڈیونک ممبرین. قرآن مجید میں
एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, मां के रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की तीन आयत पेश करूंगा, सूरह मोमिनून की सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है तीन के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुतफा में, नुतफा को रखा करार मकीन में, फिर नुतफे को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुदगा में, मुदगा से बनाया इजामा, और उस इजामा पर हमने डाला रहम। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज बनाई। मुख्तसर हम इसका जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को तीन के सुलाला से बनाया, नुतफा में, नुतफा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सयाल कतरा, और इसको एक करार मकीन में रखा, महफूज जगह में, करार मकीन महफूज जगह। हम जानते हैं साइंस कहता है कि मां के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूटेराइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में, अलका के तीन मानी है, एक है जोंक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टुकलिंग, मतलब चिपक के लटकना। अलका के तीन मानी, एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूं कि जोंक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, मां के जरिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी है खून का लोतड़ा, आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है मां के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलाका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलाका से बन जाता है मुदगा, मुदगा के मानी चबाई हुई चीज, अचूड लाइक लम। प्रोफेसर कीथ मून ने एक प्लास्टिसिन ली, अपने दांत के दरमियान चबाए और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो तो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स जहां से नर्व निकलते हैं। मुदगा को अल्लाह ताला ने बनाया इजामा में, इजामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश। उसके बाद अल्लाह सुबहाना वताला ने एक नई जानदार चीज बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीजें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है, इसके बाद इंसान का मरहला स्टेज डिफरेंट है, अलायदा है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मून के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मून ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज उन्हें मिली कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, उन्होंने अपनी नई किताब में दाखिल किया और उन्होंने लिखा द थर्ड एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मून की, डेवलपिंग ह्यूमन। अगर जस्ट पास होने गए तो हम रिफर करते थे इंद्रबीर सिंह, जस्ट पास होने गए। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मून की, डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली, तो थर्ड एडिशन उनने नई चीज जो मिली कुरान और हदीस के जरिए उन्हें अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर, सबसे बेहतरीन टिप की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी। और ये किताब का तर्जुमा कई जबानों में हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में कि हमने इंसान को बनाया अलका से, अलका से बनाया मुदगा, कुछ आजा बने हुए, कुछ नहीं बने हुए, सम ऑर्गेन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड। जब ये आयत का तर्जुमा
दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, तो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आधा बने हुए है, तो गलत है, कुछ आधा नहीं बने। अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है तो ये गलत है, कुछ आधा बने हैं। तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड सम अनडिफरेंशिएटेड। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और दो साइंटिफिक हकायक को पेश करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह कयामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुबहाना व ताला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियां मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुबहाना व ताला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान दो लोग में जक्सा फिंगरप्रिंट्स नहीं है, और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, सीआईडी, एफबीआई, सीआईए, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा है हड्डियों को तो छोड़ो हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं तकरीर के आखिरी में प्रोफेसर तगड़ता को शौक की मिसाल पेश करना चाहता हूं। हम तबीब पहले यह समझते थे कि दर्द का एहसास करने के लिए दिमाग काफी है, ब्रेन इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजिंग द पेन। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, दर्द का एहसास करने के आला है, रिसेप्टर्स है, जो बहुत जरूरी है दर्द का एहसास करने के लिए, जिसके बिना इंसान दर्द का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए जब कोई इंसान जल जाता है, जब कोई इंसान जख्मी हो जाता है जलने की वजह से और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक सुई लेता है और उस जले हुए हिस्से को चुभोता है। अगर मरीज को दर्द होता है डॉक्टर खुश है, पेन रिसेप्टर्स इंटैक्ट, पेन रिसेप्टर्स महफूज है। अगर मरीज को दर्द नहीं होता है डॉक्टर को अफसोस होता है, पेन रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। आज हमें पता चला कि पेन रिसेप्टर्स भी जरूरी है दर्द का एहसास करने के लिए। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग हमारी निशानियों का इनकार करते हैं उन लोगों को हम आखिरत में आग में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है कि जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं, इनकार करते हैं, हम उनको आखिरत में आग में डालेंगे और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार हम उनको नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, अगर पेन रिसेप्टर्स मर गए तो दर्द कैसा होगा, तो दर्द का एहसास दिलाने के लिए नई चमड़ी देंगे, जलेंगी नई चमड़ी देंगे। प्रोफेसर तगड़ा तकशान वो डीन है एक मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, और उन्होंने कई साल बिताए पेन रिसेप्टर्स पे तहकीक करने में। जब उनको तर्जुमा दिया कुरान मजीद के आयत का, उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, ये किताब 1400 साल पहले पेन रिसेप्टर्स के बारे में जिक्र कर रही, हमने तो आज ही नहीं जाना। वो मानने से इनकार किए। फिर उसके बाद जब तहकीक की, दूसरे साइंटिस्ट साइंसदान से चेक किया का तर्जुमा सही था,
इतने मुतासिर हुए कि आठवीं कॉन्फ्रेंस रियाद में साइंटिफिक साइंस ऑफ कुरान में, उस कॉन्फ्रेंस के बीच ही प्रोफेसर तगड़ा तगड़ा शॉन ने शहादत दी और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद अल्लाह के अलावा, और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी जानदार चीजें मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है। इसके बाद इंसान का मरहला स्टेज डिफरेंट है, अलायदा है, और हमें दिखता है सिर हाथ पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज उन्हें मिली कुरान के जरिए हदीस के जरिए उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द थर्ड एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की डेवलपिंग ह्यूमन, अगर जस्ट पास होने गए तो हम रिफर करते थे इंद्रबीर सिंह जस्ट पास होने के। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते हम रिफर करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली, थर्ड एडिशन उन्हें नई चीज जो मिली कुरान और हदीस के जरिए उन्हें अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर, सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी, और ये किताब का तर्जुमा कई जबानों में हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में कि हमने इंसान को बनाया अलका से, अलका से बनाया मुद्गा, कुछ आजा बने हुए कुछ नहीं बने हुए, सम ऑर्गन फॉर्म्ड सम नॉट फॉर्म्ड। जब ये आयत का तर्जुमा दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, तो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आजा बने हुए है, तो गलत है, कुछ आजा नहीं बने। अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है तो ये गलत है, कुछ आजा बने हैं, तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड सम अनडिफरेंशिएटेड। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और दो साइंटिफिक हकायक को पेश करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कयामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुबहाना व ताला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियां मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारे हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुबहाना व ताला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी साइंस का वो भाग है जो खुसूसन जब मां के रहम में बच्चा पैदा होता है और किस तरीके से शुरू होके बढ़ता है, 9 महीने तक तकरीबन मां के रहम में रहता है, उसके स्टडी को कहते हैं अंग्रेजी में एम्ब्रियोलॉजी। मां के रहम में जो बच्चा पैदा होता है आस्ते आस्ते बढ़ता है, उसके स्टडी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कई अरबों ने जितने भी कुरान मजीद की आयतें हैं जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करती है और हदीस है उसको इकट्ठा किया और कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल किया। सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर आप नहीं जानते तो उसके पास जाइए जो माहिर है, उससे पूछिए जो माहिर है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। अगर आप नहीं जानते तो उससे पूछिए कुरान के बारे में जो उस फन का माहिर है। तो कई अरबों ने सारी आयतें और हदीसें जो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जिक्र करते और ले गए तकरीबन 30 साल पहले 1980 के पहले इन 1970s 30-40 साल पहले
और ले गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास। वो मुसलमान नहीं था। प्रोफेसर कीथ मूर उस वक्त सारे दुनिया का सबसे बेहतरीन माहिर था एम्ब्रियोलॉजी में। वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का हेड था इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। प्रोफेसर कीथ मूर को सारी आयतों और हदीस का तर्जुमा पेश किए और कहा इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि अक्सर जो कुरान मजीद और हदीस में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखा है वो 100% सही है, लेकिन कुछ आयतों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि गलत है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता हूं। और दो ऐसे आयत थे, जो पहले दो आयत जो नाजिल किए गए थे, सूरह इकरा सूरह अलक सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2, अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो उसके नाम से जो खालिक है, जिसने इंसानों को बनाया है अलका से, खून के लोथड़े से, जोंक से, लीच लाइक सब्सटेंस से। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मैं नहीं जानता हूं कि एम्ब्रियो जब बच्चा पहले स्टेज में होता है, मरहले में होता है, वो जोंक जैसा लगता है। तो प्रोफेसर कीथ मूर अपने लेबोरेटरी में गए और पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक जोंक की तस्वीर ली और उसे कंपेयर किया और वो हैरान हो गए यकसानियत पे। और उसके बाद जब उन्हें 80 सवाल पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो कुरान और हदीस में जिक्र आता है, तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा अगर आप मुझे ये 30 साल पहले पूछते तो 50% से ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इज अ न्यू ब्रांच विच इज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वो नई ब्रांच है मेडिसिन की। और प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि ये किताब कुरान मजीद कोई इंसान लिख ही नहीं सकता, और मुझे कोई शक नहीं है कि ये कुरान मजीद खुदा की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुदा के पैगंबर है। इंसान में सलाहियत सुनने की, आज साइंस ये कहती है कि 22वें दिन में मां के पेट में बच्चे का कान इनर अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है और 5वें महीने तक कंप्लीट होता है, 7वें महीने में आंख खुलती है। तो कुरान में लिखा सबसे पहले आती है सुनने की सलाहियत, उसके बाद देखने की। कुरान में इसका जिक्र है सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9 में भी, हमने इंसान को दी है सलाहियत सुनने की, सोचने की और समझने की। कुरान मजीद में जो जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आज साइंस ये कहती है कि जो इंसान का जिन्स है वो आदमी के सयाल स्पर्म पे डिपेंड करता है, मनी पे डिपेंड करता है। और अगर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम 23वीं जोड़ी क्रोमोजोम की अगर वो XX है तो हो जाती है लड़की, अगर XY है तो बन जाता है लड़का। और मनी जिम्मेदार है ये जानने के लिए कि लड़का या लड़की है। मनी का अगर X हिस्सा लेता है फर्टिलाइजेशन में तो बनती है लड़की, अगर Y हिस्सा लेता है तो बनता है लड़का। ये हम हाल ही में जाने, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले सूरह नजम में सूरह नंबर 53 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को जोड़े में बनाया है, मेल एंड फीमेल जिन्स में, मुजक्कर और मुअन्नस, एक कतरे से जो आदमी से आता है, अरबी में लिखा है तुमना। इसका जिक्र है सूरह कयामा में सूरह नंबर 75 सूरह नंबर 75 आयत नंबर 37-39। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को बनाया है नुतफतिन मिन मन युमना, हमने इंसान को बनाया है आदमी के मनी के नुतफे से स्पर्म, और फिर मैंने अलका से मुदगा और उनको जिन्स डाली मर्द और औरत। कुरान में लिखा है ये स्पर्म मनी रिस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग द सेक्स टू द चाइल्ड मेल और फीमेल। हमारे देश में अक्सर वालदेन चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, अगर लड़की पैदा होती है तो सास कहेंगी बहू से कि तूने लड़की को पैदा क्यों की, लड़की को पैदा क्यों की। लड़की या लड़का होना अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है, लेकिन अगर किसी को दोष देना है तो साइंस और कुरान कहता है कि लड़की या लड़का होने के लिए मर्द का स्पर्म मनी इज रिस्पॉन्सिबल, मर्द का मनी जिम्मेदार है। तो अगर सास को किसी को दोष देना है तो अपने बेटे को देना चाहिए, बहू को नहीं, क्योंकि साइंस और कुरान कहता है कि स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जुमर में सूरह नंबर 39 में आयत नंबर 6 में कि हमने इंसान को मां के रहम में बनाया, मरहले के बाद दूसरे मरहले में, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस।
इन थ्री वेल्स ऑफ डार्कनेस, तीन अंधेरे पर्दों में। प्रोफेसर कीथ मून ने कहा ये तीन पर्दे अंधेरे के मानी हैं, एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एमनियोकॉरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब मां के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एमनियोकॉरियोनिक मेम्ब्रेन। कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, मां के रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की तीन आयत पेश करूंगा, सूरह मोमिनून की सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है तीन के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुतफा में, नुतफा को रखा करारे मकीन में, फिर नुतफे को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुदगा में, मुदगा से बनाया इजामा, और उस इजामा पर हमने डाला लहम। और अल्लाह सुबहाना वताला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज बनाई। मुख्तसर हम इसका जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को तीन के सुलाला से बनाया, नुतफा में, नुतफा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सयाल कतरा, और इसको एक करार मकीन में रखा, महफूज जगह में, करार मकीन, महफूज जगह। हम जानते हैं साइंस कहता है कि मां के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से, और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में, अलका के तीन मानी है, एक है जोंक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टुकलिंग, मतलब चिपक के लटकना। अलका के तीन मानी, एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूं कि जोंक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, मां के जरिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी है खून का लोतड़ा, आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि मां के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है मां के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलाका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलाका से बन जाता है मुदगा, मुदगा के मानी चबाई हुई चीज, अचूड लाइक लंप। प्रोफेसर कीथ मून ने एक प्लास्टिसी ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो तो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स जहां से नर्व्स निकलते हैं। मुदगा को अल्लाह ताला ने बनाया इजामा में, इजामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश। उसके बाद अल्लाह सुबहाना व ताला ने एक नई जानदार चीज बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 में 86 आयत नंबर 5-6-7 में कि इंसान नहीं सोचता वो किससे बना, वो एक सयार कतरा से बना जो गिरा उस जगह से रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते जब कहा कि इंसान बना एक सयार कतरे से जो गिरा रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच। आज साइंस तरक्की करने के बाद में पता लगता है कि जो जिनसी आजा है, जेनाइटल ऑर्गन द ह्यूमन बींग्स में, वो एम्ब्रियोनिक एज में जब मां के रहम में जब बच्चा रहता है वो वजूद में आता है उस जगह जिस जगह गुर्दा है, जिस जगह किडनी है, स्पेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द 11th एंड 12th रिब, उस जगह रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। जिनसी आजा टेस्टिकल्स एंड ओवरी वहां से वजूद में आते हैं, उसके बाद वो डिसेंड, वो नीचे उतरते हैं औरत में पेल्विस तक, आदमी में थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इनटू द स्क्रोटम। लेकिन नीचे आने के बाद ये जिनसी आजा जब इंसान बड़ा भी हो जाता है, मां के पेट के बाहर निकलता है,
फिर भी नीचे उतरने के बावजूद उनके खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई उसी जगह से आता है जहां गुर्दा मौजूद है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज उसी जगह जाता है जहां गुर्दा मौजूद है, रीढ़ की हड्डी और 11वीं और 12वीं पसली के बीच। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 में कि हमने इंसान को नुतफा से बनाया है। नुतफा के मानी अरबी में है एक छोटा सा सयाल कतरा, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जिस तरीके से आप कप को खाली करते और जो छोटा सा कतरा सयाल का रहता है, सयाल कतरा उसे कहते हैं नुतफा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में सूरह नंबर 32 आयत नंबर 8 में हमने इंसान को बनाया है सुलाला से। सुलाला के मानी अरबी में है पूरे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा, सारे भाग के सबसे बेहतरीन भाग को कहते हैं सुलाला। आज साइंस ये कहता है कि वन सेमिनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म्स है। आदमी जब इजैकुलेट करता है आमतौर पे तकरीबन 30 करोड़ स्पर्म इजैकुलेट करता है, उसमें से सिर्फ एक ही काफी है, ओनली वन स्पर्मेटोजोआ, एक काफी है बैदे को फर्टिलाइज करने के लिए, गोजल करने के लिए एक ही काफी है। इस 30 करोड़ में से एक को कुरान कहता है सुलाला, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सारे हिस्से का सबसे बेहतरीन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इंसान में सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में हमने इंसान को तोहफा दिया है, सलाहियत दी है सुनने की और देखने की। कुरान में लिखा है सबसे पहले आती है